रूपनगर में हुई हत्या की घटना में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर लिया पुलिस रिमांड पर। थाना औद्योगिक क्षेत्र बड़ी की पुलिस ने हत्या की घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सतेंद्र उर्फ छोटू पुत्र अमर सिंह निवासी कुठीर जिला जाजली यूपी, संजय पुत्र ओमकार, सोनू पुत्र राम कुमार, कुलदीप पुत्र धर्मपाल हाल मलिकपुर निवासी छोपरा महेशपुर जिला बागपत यूपी व बिट्टू उर्फ बूटा सिंह पुत्र रामकिशन निवासी पबनेरा को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सुमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर को पवन पुत्र नरसी निवासी रामनगर ने थाना उद्योग क्षेत्र बड़ी में शिकायत दी थी कि कुलदीप सोनू व बिट्टू संजय के साथ मिलकर मेरे पिताजी नरसी व जगमोहन निवासी रामनगर को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पवन की शिकायत पर विभिन्न विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पहली पूछताछ में पता चला है कि मामूली कहासुनी के कारण इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। देखिए, हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कल गिरफ्तार किया था और अभी हमने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। तफ्तीश जारी है, तो जो भी इन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और मैक्सिमम जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही रिकवरी की जाएगी और कुछ अन्य अपराधी भी हो सकते हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जाएगी। देखिए, आपस में खास सुनवाई हुई थी, वो बढ़ती बढ़ती इस नौबत तक आ गई थी, मर्डर कर दिया, शराब पी रहे थे तो उसी की खास सुनवाई को लेकर इनका आपस में झगड़ा हो गया मलिकपुर और रामनगर वालों का। तो उस संबंध में मैंने अपने कुछ दोस्त बुला लिए मलिकपुर वालों ने, तो वहाँ पर चाकू चल गई, 2 व्यक्तियों की ऑन द स्पॉट हत्या हो गई थी, 2 इंजर्ड हो गए। तो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है कल और 2 दिन के पुलिस रिमांड पे 30 जारी।